हेलो एवरीवन, दिस इज सीए तेजल कटारिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर के रिवीजन के साथ जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने लास्ट लेक्चर में मनी एंड सेंट्रल बैंक चैप्टर को रिवाइज किया था। आई होप कि तुम लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा एंड उसके बाद ये तुम्हारा सेकंड लेक्चर तुम स्टार्ट करोगे। उस लेक्चर में हम लोगों ने जब हम ओरिजिनल लेक्चर्स में पढ़ते थे उस टाइम पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स उन दोनों चैप्टर्स को समझा था, जिसे मैंने 1 घंटे में रिवाइज करवाया था। आज भी वही चीज मैं करने वाली हूँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, जो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर स्टूडेंट को लगते हैं उसे हम रिवाइज करेंगे कम से कम टाइम में। तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए एंड मेक श्योर कि मैं जब तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं जब यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ उस टाइम पे तुम भी जहाँ पे भी हो उस टाइम पे तुम लाउडली उससे रिवाइज करो, क्योंकि थियोरी सब्जेक्ट्स में अगर तुम मन में रिवाइज करते हो तो यूजुअली हम भटक जाते हैं और कुछ याद नहीं रहता। तो लाउडली करने से क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पूरे टाइम बना रहेगा। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट विथ द चैप्टर कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें देखना है स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल कंसेप्ट के साथ हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर को। तो स्टॉक वेरिएबल मतलब क्या, स्टॉक वेरिएबल मतलब एक इकोनॉमिक वेरिएबल को जब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करेंगे। इकोनॉमिक वेरिएबल को क्या करना है, इकोनॉमिक वेरिएबल को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक वेरिएबल। एंड जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ओवर द पीरियड जब हम मेजर करेंगे उसे हम बोलेंगे फ्लो वेरिएबल। अब स्टॉक कंसेप्ट जो है, स्टॉक कंसेप्ट में क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से जो है वो कंसेप्ट जो है वो बन जाता है स्टैटिक कंसेप्ट। वो क्या बन जाता है, स्टैटिक कंसेप्ट। एंड फ्लो वेरिएबल क्या बन जाता है, फ्लो वेरिएबल बन जाता है डायनामिक कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं, स्टॉक के टाइम पे हम टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे। तो स्टॉक यानी कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये ऐसे ही हम लोगों ने समझा था। उसके बाद एग्जाम्पल्स अगर देने हैं तो स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक मतलब क्या कि मनी सप्लाई, पहला सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है मनी सप्लाई। तुमको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में रिवीजन लेक्चर में हमने क्या समझा था, मनी सप्लाई मतलब क्या, मनी सप्लाई मतलब जो मनी का मतलब जो पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन वही अगर मैं इनकम की, प्रॉफिट्स की बात करती हूँ तो ये क्या बन जाते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो तुम्हें प्रॉफिट या इनकम मिलता है उसकी हम बात करते हैं, इसीलिए वो फ्लो कंसेप्ट बनते हैं। इसीलिए हमेशा स्टॉक वेरिएबल मतलब कैमरा को याद करने का कि एक स्नैपचैट, एक तुमने जस्ट क्लिक किया और वो हमेशा के लिए वैसा ही मेमोरी बन जाता है तो उसे स्टॉक बोलेंगे। एंड फ्लो मतलब क्या कि वो वीडियो कैमरा की तरह चलते जाएगा। और एक चीज से हमने याद किया था कि स्टॉक मतलब जैसे कि बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं वो सारे तुम्हारे स्टॉक वेरिएबल्स में कंसिडर होते हैं यूजुअली। एंड जो P&L के जो आइटम्स होते हैं वो तुम्हारे आते हैं फ्लो वेरिएबल में। और इसको याद करने के लिए भी मैंने समझाया था तुमको, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड हम लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड हम क्या, ओवर द पीरियड मतलब क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, पूरा साल हम कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए वो फ्लो वेरिएबल बनेगा। एंड स्टॉक वेरिएबल बैलेंस शीट एज ऑन होता है तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस आई होप कि तुम लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद एक इंटर रिलेशनशिप देखा था, द यूज ऑफ स्टॉक गिव्स राइज टू द फ्लो एंड फ्लो गिव्स राइज टू द स्टॉक। मतलब क्या, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ कैपिटल है, कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उससे क्या किया मैंने, उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा और मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मशीनरी को परचेस किया या कोई एसेट परचेस की, इक्विपमेंट्स परचेस किए। अब इससे मैंने क्या किया, इस मशीनरी का यूज करके मैंने क्या किया, प्रोडक्शन किया और उसे सेल कर दिया गया। सेल किया, सेल करने की वजह से मुझे आया इनकम। अब इसी इनकम के साथ मैंने सोचा मुझे और बिजनेस को एक्सपांड करना है, अगर मुझे और बिजनेस को एक्सपांड करना है मुझे और एसेट चाहिए। इसी इनकम के साथ, इनकम से मैंने एसेट्स परचेस की, मैंने और प्रोडक्शन किया, मैंने और इनकम अर्न किया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कैपिटल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक की वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक की वजह से हम लोगों को फ्लो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है हमारा एंड फ्लो की वजह से स्टॉक वेरिएबल। तो यहाँ पे स्टॉक से फ्लो जनरेट होता है, फ्लो से स्टॉक जनरेट हो रहा है, यही लाइन यहाँ पे लिखा है, यूज ऑफ स्टॉक गिव्स राइज टू फ्लो, यानी कि कैपिटल का यूज हमने किया एसेट एंड एसेट परचेस करने के लिए जिससे हमने कन्वर्ट किया इनकम में एंड उसी के साथ हमने फिर बाद में वापस से क्या किया, एसेट्स परचेस किए। तो ये क्या होता है, ये एक इंटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच का कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं।
नेक्स्ट एक पॉइंट हमने समझा था कि प्राइस जो है वो ना ही स्टॉक कंसेप्ट है और ना ही फ्लो कंसेप्ट है. वन मार्क के लिए ध्यान में रखना, प्राइस इज नीदर अ स्टॉक नॉर अ फ्लो वेरिएबल बिकॉज इट डज नॉट नीड अ टाइम डायमेंशन नॉर इट इज अ स्टॉक क्वांटिटी, हमेशा याद रखना. ठीक है, उसके बाद सर्कुलर मेन मीनिंग क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब ये तो बेसिक जो शुरुआत का दो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, वो हमें समझने थे. अब एक्चुअल में जो मेन चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल से मैंने तुमको समझाया था कि कोई भी मतलब एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है और मेरा एक्सपेंडिचर और किसी और मतलब किसी और के लिए इनकम बनने वाला है. मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो तुम लोगों ने जो फीस मुझे पे की है वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ लेकिन मेरा इनकम हुआ. और उसी पैसे से अगर मैं अमेजोन पे शॉपिंग करती हूँ तो मेरा एक्सपेंडिचर अमेजोन का इनकम हुआ. अमेजोन ने वो और उनके किसी एडमिन स्टाफ को पैसे दे दिए, सैलरी दे दी, तो अमेजोन का एक्सपेंडिचर वो एडमिन बंदे का इनकम बनेगा. तो इस तरीके से इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फ्लो जो क्रिएट हो रहा है, सर्कुलर फ्लो क्रिएट हो रहा है. एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम है, दूसरे का इनकम जब वो स्पेंड करेगा वो अगेन तीसरे का इनकम बनने वाला है. तो यही कंसेप्ट बताता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने तीन फेजेस देखे थे, कौन से, एक था प्रोडक्शन फेज, दूसरा था इनकम फेज एंड तीसरा था एक्सपेंडिचर फेज. अब जो प्रोडक्शन फेज है, और याद रखना, ध्यान रखना कि एग्जाम में तुम्हें अल्टरनेटिव वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, तो प्रोडक्शन फेज का अल्टरनेटिव है जनरेशन फेज. जनरेशन क्यों मैंने कैसे याद करवाया था तुम्हें कि प्रोडक्शन मतलब क्या, कि तुम गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, इसीलिए जनरेशन फेज को तुम याद कर सकते हो. फिर इनकम फेज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज टू द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. अब यहाँ पे इनकम मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सपेंडिचर करने की वजह से दूसरे का इनकम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसे करके याद कर रहा था हम लोगों ने, ऐसे करके याद किया था. एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फेज, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन फेज. याद रखना ये अल्टरनेटिव नेम, ये एग्जाम में गलती से पूछा तुमको तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का. उसके बाद व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो मॉडल शोज, यानी कि क्या, जो मैंने तुमको समझाया कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है, उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, इट शोज दैट द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम एंड फैक्टर इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर. मतलब क्या, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि देखो यहां पे जो भी प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री में, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम लोगों को बनाने के लिए जो लेबर लगेगा, लेबर लगेगा. अब सपोज वो लेबर जो लगा है उसको तुमको पैसे तो देने पड़ेंगे, मतलब प्रोडक्शन हुआ सबसे पहले. अब प्रोडक्शन जो हुआ है उस वो प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें जो लेबर सर्विसेज लगे थे उन लेबर्स को तुमको पैसे देने होंगे, और जब तुम पैसे दोगे तो ये उन लोगों के लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा, और फिर प्रोडक्शन से उन लेबर्स के लिए इनकम जनरेट होने वाला है. और जब वो यही इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए थे, गुड्स एंड सर्विसेज उसको परचेस करने के लिए क्या करेंगे, वो परचेस करने के लिए स्पेंड करेंगे, वही बनेगा हमारा एक्सपेंडिचर फेज. तो हमेशा ध्यान में रखना, जितना भी प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम होगा, और जितना इनकम होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे. यही सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल शो करता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ में दो टाइप्स हमने देखे थे अभी तक, हमने क्या देखा, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल. फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो मॉडल चलता कैसे है. अब हमें देखना है कि जो सर्कुलर फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसके जो टाइप्स है उसे हमें देखने हैं. दो टाइप्स में हमने समझा था, एक था रियल फ्लो एंड दूसरा था मनी फ्लो. अब ध्यान दो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. जब रियल मतलब रियल फ्लो, यानी कि जो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, जब हम बार्टर एक्सचेंज की बात करेंगे, तब हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो की, गुड्स एंड सर्विसेज बार्टर सिस्टम. बट जब हम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो उसके बदले में हम जब पैसे दे रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मनी फ्लो की, पैसे इन्वॉल्व है इस चीज में, इसीलिए उसे बोलेंगे हम मॉनिटरी सिस्टम. इसके अल्टरनेटिव नेम याद रखना फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो. इसके बाद यहाँ पे एग्जाम में देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ऐसा है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं वो. और बचा क्या करता है, पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मेन जो मेन मॉडल्स है ये वाले,
टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, ये सब कुछ पढ़ के जाता है, लेकिन जो बेसिक है स्टॉक वेरिएबल फ्लो वेरिएबल का डिस्टिंग्विश या ये मनी फ्लो एंड रियल फ्लो का डिस्टिंग्विश, ये छोड़ के जाता है और वही एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ जाता है. सो 3 मार्क्स, सिक्योरिंग 3 मार्क्स इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज वेरी 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 ईजी कंसेप्ट, जहां पे मनी यानी कि इन शॉर्ट उनको बस इतना बोलना है कि तुमने जो फैक्टर पेमेंट जो किया हुआ है वो मॉनिटरी टर्म्स में किया हुआ है, पैसे को इन्वॉल्व किया है रादर देन बार्टर एक्सचेंज, तो हम क्या बोलेंगे उससे, मनी फ्लो बोलेंगे. एंड रियल फ्लो मतलब हम लोगों ने क्या किया कि सपोज किसी ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसके बदले में मैंने उसे गुड्स दे दिए, तो बार्टर एक्सचेंज जब हम बात करेंगे तब हम रियल फ्लो की बात करते हैं. अब एक्चुअल में हमारा जो चैप्टर में जो हम लोगों ने मेन जो सीखा था वो था टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी. ये 4 मॉडल हम लोगों ने देखे थे जो हमें अभी समझने हैं. तो सबसे पहला है टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा था, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म. एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म सेक्टर. हाउस होल्ड जो होता है, हाउस होल्ड हमेशा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे चारों क्या हो जाते हैं, ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका ओनर जो होता है वो हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर होता है. और वो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज या फिर यू कैन कॉल इट एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है फर्म्स को, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. एंड वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर सर्विस सपोज प्रोवाइड कर रहे हैं या रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं हाउस होल्ड से, तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, इनको पेमेंट दे देते हैं. एंड जब ये हो गया एक, तो इन शॉर्ट ये साइकिल चल कैसे रहा है, देखो यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे फर्म सेक्टर है. अब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया है, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है. क्या करता है, फैक्टर पेमेंट देता है. अब यहाँ पे दूसरा साइकिल कैसे चलेगा, अब यहाँ पे फैक्टर पेमेंट तो दे दिया, अब इनका तो इनकम बन गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या हो गया, इनकम आ गया. अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, उसे स्पेंड करता है. स्पेंड काय के लिए करेगा, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए हैं, किसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, फर्म सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो हाउस होल्ड के लिए किए होते, तो वो प्रोड्यूस करेगा और इन लोगों को देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को देगा. एंड हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज नथिंग बट वॉट, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग, विदाउट सेविंग. अब हम जाएंगे आगे जिसपे हम बात करने वाले हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग्स की. अब यहाँ पे जो टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग्स है, यहाँ पे ध्यान रखना टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग है. बहुत बार ऐसा होता है इसी को थ्री सेक्टर इकोनॉमी बोला जाता है, बट थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज डिफरेंट. दिस इज टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग फाइनेंशियल सिस्टम. सेविंग मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जहां पे इन्वॉल्व होगा, इसीलिए उनको विथ सेविंग बोलते हैं. अब ध्यान दो यहां पे होता क्या है, यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर कांस्टेंट रहेगा. ये वाला डायग्राम जैसा था वैसा ही रहेगा, बस एडिशन क्या होता है, यहां पे एडिशन ये होने वाला है कि बीच में जो है, बीच में आ जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम. बीच में क्या होगा, बीच में आएगा फाइनेंशियल सिस्टम, और ये फाइनेंशियल सिस्टम हाउस होल्ड एंड फर्म के साथ डील करेगा. अब हाउस होल्ड के साथ क्या होता है, हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड यानी कि हमारे जैसे लोग, हम क्या करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में वो सेविंग्स को रखते हैं, और फिर फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसे आगे एज अ लोन देता है. मतलब बैंक के पास जो हमारे डिपॉजिट्स है, जो सेविंग्स है, वो आगे एज अ लोन देगा. और ये जो लोन होगा, ये लोन यूज करके ही, इस लोन का, इस पैसे का इस्तेमाल करके ही जो प्रोडक्शन होता है वो फर्म सेक्टर में होता है. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक बात है यहाँ पे, पहला पॉइंट, एक जो सेविंग आया है वो जो है वो आगे बोरो कर लेता है. कौन, फर्म सेक्टर बोरो कर रहा है. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर फर्म सेक्टर के पास कुछ पैसा सरप्लस पड़ा है तो वो क्या करेगा, वो फाइनेंशियल सिस्टम के पास, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल सिस्टम के पास उस पैसे को रखेगा एंड फिर उससे वो इनकम अर्न करेगा. अब यहाँ पे जो है, हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी बोरो नहीं करेगा, ये अजम्पशन ध्यान में रखना. एंड द रीजन इज, हाउस होल्ड सेक्टर इसीलिए बोरो नहीं करता है, ये अजम्पशन क्यों लिया है, क्योंकि अगर बोरो जो किया जाता है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है. प्रोडक्शन पर्पज से अगर बोरो करना है
तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने बोरो करना स्टार्ट किया तो वो फर्म सेक्टर बनेगा ना, वो हाउस होल्ड रहेगा ही नहीं। इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी बोरो नहीं करता है, ये ध्यान में रखना। बहुत सारे जो रेफरेंस किताबें जो तुम देखते हो उसमें गलती से ऐसा हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसा दिखे, ऐसा एरो किया हुआ एंड बोरो किया है हाउस होल्ड ने, ऐसा दिखेगा, जो गलत है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग। अब हम चलते हैं आगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे। थ्री सेक्टर इकोनॉमी यानी कि कौन इन्वॉल्व होगा, देखो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर पहले भी थे, अभी भी थे। हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर में अगर फाइनेंशियल सिस्टम अगर आता है तो वो हो जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग। अब हम बात करने वाले हैं थ्री सेक्टर की, जिसमें आएगा तीसरा, वो होगा गवर्नमेंट सेक्टर। अब ध्यान देना गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कैसे डील करना है। एक हमारा हाउस होल्ड कॉन्स्टेंट है, फर्म सेक्टर है, फाइनेंशियल सिस्टम है और ऊपर से आ रहा है अभी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या कैसे डील करता है, देखो पहले जितना भी था ये यहाँ तक टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग तक जितना था वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, एडिशन गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जो है वो जो फर्म सेक्टर है, जो फर्म सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं उन्हें क्या करता है, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बिजनेसेस को सब्सिडीज मिलता है, ये हम जानते हैं। तो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा या फिर एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना हो गया या ऐसा कुछ तो एक्सपेंडिचर करेगा जिससे वो फर्म सेक्टर को फायदा होगा। तो एक्सपेंडिचर करेगा या फिर वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा फर्म सेक्टर को, एंड फिर फर्म सेक्टर जो होगा वो कॉर्पोरेट टैक्स जो हम लोगों ने सुना होगा बहुत बार, तो वो जो है वो टैक्सेस पे करेंगे किसे, गवर्नमेंट को। अब हाउस होल्ड के साथ कैसे डील करेगा, हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड एक तो हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो क्या कर, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हमारे जैसे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे वैसे वाले लोग, तो वो जो है वो लोग क्या करते हैं, वो उनके इनकम, अभी उनको इनकम तो मिल गया लेबर सर्विसेज के बदले में, सपोज कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया है, ये जो गुड्स का प्रोडक्शन किया है ये जो इनकम लेबर ने अर्न किया है उसका टैक्स तो भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब ये जो टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, ये टैक्स जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को पे करेगा, एंड ये ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर से क्या हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रांसफर पेमेंट आ सकता है हाउस होल्ड सेक्टर को। अब ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे, बट एग्जाम्पल तुम लोग को याद होगा जैसे कि स्कॉलरशिप दिया है गवर्नमेंट, बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो हाउस होल्ड सेक्टर के साथ एंड फर्म सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर कैसे डील करेगा वो हमने देखा। अब जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पे क्या होने वाला है, फाइनेंशियल सेक्टर में जो है गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी सेविंग्स होते हैं तो वो फाइनेंशियल सेक्टर को दे सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सिस्टम से बोरो भी करता है। तुमने देखा होगा फाइनेंशियल, देखो यहाँ पे जो है ये फाइनेंस वाले जो लोग होते हैं, ये फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे लोग हैं, आरबीआई भी आएगा इसी में या बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स भी आएंगे। तो गवर्नमेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा था कि गवर्नमेंट से आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए बैंक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आरबीआई से पैसे ले कर सकता है, बोरो कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, या तो बोरो करेगा या तो अगर सेविंग्स है एक्स्ट्रा की तो वो फाइनेंशियल सिस्टम के साथ रख सकता है। तो ये हो गया थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एंड आखिरी आता है फोर सेक्टर इकोनॉमी, जिसे ओपन मॉडल भी बोला जाता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, नाउ वी आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी हम बात करते हैं इसमें। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डीलिंग कैसे होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखो जो फर्म सेक्टर होता है उससे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जैसे ही आएगा, देखो फॉरेन सेक्टर आने के बाद दिमाग में एक ही चीज पहला कंसेप्ट आता है, वो होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में आ रहे हैं यानी कि वी आर इम्पोर्टिंग, बींग इंडिया वी आर इम्पोर्टिंग, एंड अगर गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ पे फर्म सेक्टर जो होता है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के साथ डील करेगा। अगर कोई भी फर्म सेक्टर ने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है यानी कि बाहर से फॉरेन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में आए हैं तो उसके बदले में उनको पैसे देने होंगे जो इंडिया से बाहर जाएगा, एंड जो पैसा इंडिया से बाहर जाने वाला है फॉरेन सेक्टर को जाएगा। यानी कि सपोज यूएसए से तुमने कुछ परचेस किया है इंडिया ने, तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में वो इम्पोर्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट किए हैं वो आएंगे और उसके बदले में जो है वो पैसा बाहर जाएगा। एंड अगर एक्सपोर्ट किया तो क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट किया है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर या फर्म सेक्टर से क्या होने वाला है, बाहर जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, एंड फॉरेन कंट्रीज का पैसा इंडिया में आएगा। अगर इंडिया में फॉरेन कंट्रीज का पैसा आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि नेशनल इनकम तुम्हारा बढ़ने वाला है,
वो कैसे क्या डिटेल में हम लोगों ने मेन लेक्चर में देखा हुआ था। अभी सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक्सपोर्ट एक्सीड कर गए इम्पोर्ट्स को तो क्या होने वाला है, नेशनल इनकम बढ़ेगा क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, एंड अगर पैसा बाहर जाता है इम्पोर्ट की वजह से तो क्या होने वाला है, नेशनल इनकम कम होने वाला है। एंड उसके बाद जो आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है लीकेज एंड इंजेक्शंस। इंजेक्शंस मतलब क्या कि देखो नाम में ही लिखा हुआ है, इंजेक्शंस मतलब कि मतलब कहीं ना कहीं इंसर्ट करना है, मतलब इकोनॉमी में क्या होने वाला है, इकोनॉमी में पैसा इंसर्ट होना मतलब इंजेक्शन होना, इंजेक्शन एंड लीकेज होना मतलब क्या कि इकोनॉमी से पैसा बाहर जाना। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये भी 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं तुमको। तो लीकेज मतलब क्या, दीज आर द वेरिएबल्स जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों भी ध्यान रखना, ये दोनों भी फ्लो वेरिएबल्स की बात करता है, एंड जो निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, अगर निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो वो होगा लीकेज, एंड अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया यानी कि इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुआ है तो वो उसे क्या बोलेंगे हम, इंजेक्शन। अब इसके लिए एग्जाम्पल से समझा था हमने कि पहला जो एग्जाम्पल है वो है सेविंग्स। अब ध्यान दो, अगर से मतलब सेविंग्स कैसे क्या लीकेज हो गया समझो, अगर जो पैसा है सपोज मान लो कि मैंने 10 लाख सेव कर दिए, ठीक है, और ये जो 10 लाख है ये 10 लाख अगर मैंने मेरे तिजोरी में रख दिए तो उससे जो पैसा सर्कुलेट या पैसा मनी क्रिएशन जो हो सकता था वो नहीं होने वाला, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लीकेज बोलेंगे। वो जो 10 लाख थे वो इकोनॉमी में से बाहर आ गए, क्यों, क्योंकि उससे पैसे क्रिएट नहीं हो रहे। लेकिन वही अगर सेविंग्स अगर मैंने कहीं डिपॉजिट कर दिए तो उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, मतलब कहीं डिपॉजिट बैंक में अगर डाला तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी में हमने क्या किया है, पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया हुआ है इकोनॉमी में, और इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, वो एडिशन हो गया इकोनॉमी में जिससे इंक्रीज हुआ है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस को एक बूस्ट मिलेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट किया तो क्या होने वाला है, इकोनॉमी से पैसा बाहर जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे इकोनॉमी में लेकिन पैसा तो बाहर जाएगा, इसीलिए लीकेज हो जाएगा। एंड एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना टैक्सेस जो होते हैं वो लीकेज इसीलिए माना जाता है क्योंकि हम जो है हम गवर्नमेंट को पैसा पे करते हैं, वो इकोनॉमी में जब उसको यूज करेंगे, जब एक्सपेंडिचर करेंगे तब उसे माना जाएगा इंजेक्शन। तब तक के लिए क्या माना जाएगा, तब तक के लिए टैक्सेस जो है जो हमने पे किए हुए गवर्नमेंट को वो लीकेज ही माने जाएंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एंड ये डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से याद किया था, तो इसी के साथ ये तो ठीक है, ये तो लॉजिक्स मैंने तुमको समझाए थे, इसी के साथ हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उस चैप्टर का रिवीजन खत्म हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन तो बनता ही है, एंड उसके साथ साथ ऐसा चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट जिससे डरते हैं, तो ऐसा कोई ये डिफिकल्ट चैप्टर है ही नहीं, बस समझने की बात होती है इसमें, बस कुछ कंसेप्चुअली फ्लो वाइज समझना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के साथ, तो सबसे पहले एक जो कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी बिफोर वी आर मूविंग अहेड टू नेशनल इनकम, उसके मेथड्स, उसके एग्रीगेट्स क्या होते हैं, पहले समझना है कि कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो कि पहला कंसेप्ट जिसका हो जिसमें से होगा वो होगा इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। ध्यान रखना नेशनल इनकम मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बस इतना बात करने वाले हैं, जैसे कि सपोज मेरे घर में 4 लोग अर्न कर रहे हैं तो वो मेरा फैमिली इनकम हो गया, वैसे ही मेरे साथ साथ और मेरे पड़ोस वाले भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनके घर का वो इनकम हो गया, तो हम दोनों के घर का मिला के ऐसे जितने भी इंडिया में लोग इनकम अर्न कर रहे हैं पूरा सबका इनकम, हर कोई बिजनेस, हर कोई इंडिविजुअल जो भी अर्न कर रहा है पूरा इनकम को, पूरे इनकम को एक एडिशन मतलब सारे इनकम का एक एडिशन किया जाएगा और देश का इनकम निकाला जाएगा, और जो देश का इनकम होगा उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ चीजें हैं जो पहले समझनी होंगी, जिसमें से पहला है इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ध्यान देना इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए हमने ये चार्ट, तुम लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से हमने इसी चार्ट से समझा, इसी मैप से समझा था, चार्ट नहीं मैप से समझा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री एक पहले तो कंसिडर की जाएगी जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कैपिटल सारी चीजें फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हो, यानी कि ये जो इंडिया की सरजमी है ये जितनी ये जो बॉर्डर है पूरा
सारा इंडिया का, ये पूरा बॉर्डर यहाँ का जितना भी इंडिया का बॉर्डर है, ये सारा इंडिया का बॉर्डर क्या माना जाएगा, ये इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जहाँ पे फ्रीली तुम जो चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर सकते हो, यू आर फ्री, तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफिकल टेरिटरी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पे वाइडर सेंस में समझना है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाउंड्रीज को भी कंसिडर किया जाता है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है टेरिटोरियल वाटर एज वेल एज इट्स एरोप्लेन्स शिप्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट। रेसिडेंट का कंसेप्ट हम समझेंगे इसके बाद। ऑफ द कंसर्न कंट्री अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एम्बेसीज। अब ध्यान देना, इन शॉर्ट हमें क्या समझना है कि देखो यहाँ पे ये जो इंडिया का ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से देखो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक और 24 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स 24 नॉटिकल माइल्स से पूरा, यानी कि एडिशनल 12 हो गया, तो ये जो 24 नॉटिकल माइल्स तक का पूरा एरिया तुम कुछ भी करो यहाँ पे फ्रीली, यू आर फ्री कि तुम फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल को मूव कर सकते हो यहाँ तक, सिर्फ 24 नॉटिकल माइल्स जहाँ तक होंगे इस बाउंड्री से वहां तक ही। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाना है, और आगे जाके इस बाउंड्री से सपोज यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है सपोज 200 नॉटिकल माइल्स है, तो 200 नॉटिकल माइल्स में अब ये जो एडिशनल यहाँ पे एरिया आया है ना, ये आफ्टर 24 to 200, After 24 to 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, यहाँ पे जो ऑयल रिग्स होते हैं, जो ऑयल रिग्स होते हैं, यानी कि ऑयल रिग्स मैंने दिखाया था तुमको कि वो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं नीचे से ऑयल को, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे ऑयल रिग्स बोला जाता है, ONGC, ये जो ऑयल कंपनीज होती है उनके बहुत बड़े बड़े ऑयल रिग्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो ये ऑयल रिग्स यहाँ पे जो भी होंगे इस दौरान इस एरिया में, उनको भी कंसिडर किया जाएगा इंडिया के नेशनल इनकम में। तो ये पॉलिटिकल, ये जो डोमेस्टिक या ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को भी ऐड करना है, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज को समझना है कि ये टेरिटोरियल वाटर्स भी कंसिडर किए जाएंगे, प्लस ये 24 to 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो बाइफरकेशन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इंक्लूड किया जाता है, हाँ यहाँ पे अच्छे से लिखा है देखो, पॉलिटिकल फ्रंटियर, एक तो पहले ज्योग्राफिकल टेरिटरी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल फ्रंटियर जिसमें टेरिटोरियल वाटर प्लस उसके साथ साथ एयर स्पेस, मतलब यहाँ पे इस मध्य प्रदेश के ऊपर जितना भी आसमान है वो भी इंडिया का है, इसके ऊपर का आसमान भी इंडिया का है, प्लस ये जो एरिया है ना, ये एरिया के ऊपर का आसमान भी इंडिया के ही सरजमी का हिस्सा माना जाएगा, टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आता है एम्बेसीज उसके बाद। अब एम्बेसीज को समझो, पहले हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि ये इंडिया के मैप के साथ समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें इंडिया में आएंगी। अब एम्बेसीज के बारे में समझो, एम्बेसीज के लिए समझो सपोज यहाँ पे जो है पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में जो देखो, इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप में कहीं ना कहीं इंडिया का जो भी एरिया है उस एरिया में वहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एम्बेसी होता है। मतलब क्या कि सपोज इस कोने में, सपोज यहाँ पे पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये वाला इंडिया के, इंडिया में एक पाकिस्तान का एम्बेसी, एम्बेसी यानी कि जहाँ पे तुम अगर पाकिस्तान में जाना है तो जाना पड़ता है, प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं उनके, तो ही तुम दूसरे कंट्री में जा सकते हो, ऐसा रहता है। तो कोई भी, अभी कोई भी कंट्री की हम बात करेंगे, अभी के लिए मैंने एग्जांपल के लिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एंड इंडिया की जब बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो ये पाकिस्तान का एम्बेसी है ये इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ये इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन वही अगर पाकिस्तान में इंडिया का जो एम्बेसी होगा, पाकिस्तान के सरजमी पे इंडिया का जो एम्बेसी होगा वो इंडिया का हिस्सा माना जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, एंड स्टूडेंट हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज करते, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत आंसर लिख के आते हैं। ध्यान रखना, इंडिया के पार्ट में अगर कोई भी बाहर का, बाहर के कंट्री का एम्बेसी ऑफिस है, या उसमें जो एम्बेसी ऑफिस में जो फॉरेन के लोग जो काम करते हैं उस पर भी हम आएंगे, बट अभी तक सिर्फ जो ऑफिस है वही पे समझो कि वही तक का जो है वो हिस्सा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा वो हमें समझना है। तो इंडिया में अगर इंडिया के सरजमी पे बाहर का एम्बेसी है तो नहीं, इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा, इंडिया का टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही पाकिस्तान में इंडिया का है
तो यस दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. उसके बाद यही चीज सेम चीज अप्लीकेबल होती है कंसुलेंट्स एंड मिलिट्री बेसिस के लिए भी. उसके बाद आता है एम्बेसीज. ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है एम्बेसीज को. ये एग्जाम्पल मैंने यूएसए एम्बेसीज के साथ दिया हुआ है. जो मैंने पाकिस्तान का बताया वही यूएसए का है. उसके बाद शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट. रेसिडेंट मतलब कौन देखेंगे. बिटवीन द टू और द मोर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इंडियन शिप मूविंग फ्रॉम यूके एंड चाइना रेगुलरली और पैसेंजर्स प्लेन ऑपरेटेड बाय द एयर इंडिया बिटवीन यूएसए एंड जापान एक्सेट्रा आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो भी ships, aircrafts इंडिया के है वो इंडिया के ही हिस्सा, इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा. उसके साथ साथ फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस रीजन ऑपरेटेड बाई द रेसिडेंट्स. यानी कि कौन से, ये वाले जो 200 नॉटिकल 24 नॉटिकल माइल्स के बाद का अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा, उसमें जो भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रीजन्स होंगे वो सारे इंडिया के, इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट बिफोर गोइंग अहेड टू नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स है उस पे. तो सबसे पहला हमने देखा इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी. फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट नॉर्मल रेसिडेंट का. नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कौन. नॉर्मल रेसिडेंट को देखो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है. नॉर्मल रेसिडेंट समझो तीन हिस्सों में. एक है इंडिविजुअल, दूसरा है बिजनेस यूनिट एंड तीसरा आता है गवर्नमेंट एंड उसके एजेंसीज अब ध्यान देना यहाँ पे इंडिविजुअल की सबसे पहले तो बात करते हैं. इंडिविजुअल मतलब कौन. ऐसे लोग जो इंडिया में एक साल से ज्यादा रह रहे हैं, एक साल से ज्यादा, मोर देन वन ईयर जो भी इंसान इंडिया में है उसे नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम. ध्यान रखना इनकम टैक्स जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट या जो भी रेसिडेंट NRI जो भी कंसेप्ट लिखे हैं उस सेक्शंस में वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट का कंसेप्ट अलग है एंड इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है. दोनों को क्लब नहीं करना है. मैंने तुमको ऑलरेडी समझाया था मेन लेक्चर्स के टाइम पे. यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहला, एक तो कोई भी इंडिविजुअल जो एक साल से ज्यादा इंडिया में है उसे माना जाएगा. दूसरा जो बिजनेस यूनिट्स है, अब बिजनेस यूनिट्स को इंडिया का है, इंडिया के वो बिजनेस यूनिट्स है या नहीं है वो कैसे समझेंगे. तो इसके लिए हमने एग्जांपल्स लिए थे इंफोसिस एंड गूगल के. तो समझो इंफोसिस जो है वो इंडियन कंपनी क्यों है या इंडिया में उनको रेसिडेंट क्यों बोला जाता है. क्यों, देखो इंफोसिस जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, उनके ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है. अब बाहर के यूएसए में है ऑफिस अगर है तो वो तो यूएसए का हिस्सा मानना चाहिए. क्यों, क्योंकि यूएसए में ऑफिस है. इंडिया में होने के बावजूद भी यूएसए में भी तो है, तो कहाँ का रेसिडेंट माना जाएगा इंफोसिस. तो इंफोसिस जो है वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है. व्हाई, बिकॉज जब कोई भी बिजनेस यूनिट होता है उसका जो हेडक्वार्टर्स जो है वो इंडिया के टेरिटरी में कंसिडर किया जाएगा तो वो इंडिया का ही रेसिडेंट माना जाता है. अब इंडिया के जो इंफोसिस का मेन जो हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स का मतलब ऐसा नहीं कि एक ब्रांच डाल दिया, एक ऑफिस खोल दिया तो उसको हम हेडक्वार्टर्स बोल देंगे और बोलेंगे कि ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा. नहीं, हेडक्वार्टर्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मेन बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे या जो मेन जो कंपनी के लोग होते हैं जैसे कि CEO, CFO, मेन शेयर होल्डर्स जो पूरा डिसीजन मेकिंग करेंगे, ये सब लोग जहाँ पे होते हैं या जहाँ से मेन बिजनेस एक्टिविटी के सारी चीज़ें की जाती है तो वो जहाँ पे होगा उसे हम मेन ऑफिस बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स बोलते हैं. तो वैसी जगह जहाँ हो वो हेडक्वार्टर्स जिस भी कंट्री में होगा वहाँ का वो रेसिडेंट माना जाएगा. तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स इंडिया में है तो इसीलिए इन्फोसिस इंडिया का हिस्सा नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा. लेकिन गूगल का ऑफिस इंडिया में होने के बाद भी गूगल को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कैलिफोर्निया में है तो वो इंडिया में नहीं आता है. तो इसीलिए वहाँ पे ध्यान रखना मेन ऑफिस होना जरूरी होता है. तो बिजनेस यूनिट हो गया एंड लास्ट इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. अब गवर्नमेंट में दोनों आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी आएंगे. एंड एजेंसीज मतलब कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होता है तो जहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लिखा होता है ब्रैकेट में लिखा होता है इंडिया.
वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वो नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट में आते हैं। तो ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज होंगे वो भी नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे समझना क्या है, रेसिडेंट में इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट गवर्नमेंट जो है वो रेसिडेंट माने जाते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल का मैंने बता दिया, एक साल से ज्यादा। बिजनेस यूनिट का मैंने बता दिया, हेडक्वार्टर्स होना चाहिए मेन, एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो इंडिया का ही है। अब उसके साथ साथ, अ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये वर्ड एग्जाम में आना ही चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, जिस भी कंट्री में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा उसी कंट्री का वो रेसिडेंट माना जाएगा। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या, दो चीजें, एक तो जहां पे वो एक साल से ज्यादा रह रहे हैं कोई भी रेसिडेंट, एंड दूसरी चीज जहां पे उसके बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि अर्निंग, स्पेंडिंग एंड जो एक्यूमुलेशन होगा उसके सेविंग्स का, वो सारी चीजें उस लोकेशन पे मतलब इंडिया में ही हो रही है, और ये दोनों कंडीशन एंड है, कभी भी और नहीं है, ये ध्यान रखना। ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए एंड प्लस वो मोर देन अ ईयर उस कंट्री में रहना चाहिए, तब माना जाएगा कि वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। अब इसमें एक्सक्लूड किसे करना है, हमें एक्सक्लूड करना है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अब फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जैसे कि बाहर से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं तो IPL खेलने के लिए या ओलंपिक्स के टाइम पे आते हैं, तो ये स्पोर्ट्समैन आएंगे और बाहर वापस से उनके कंट्रीज में चले जाएंगे, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। जो फॉरेन टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं, हॉलीडेज के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, स्टडीज के लिए आते हैं और चले जाते हैं, एग्जाम देने आते हैं चले जाते हैं, तो वो लोगों को क्या माना नहीं जाएगा, उन लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा आता है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, जैसे मैंने ये समझाया था तुमको कि एम्बेसीज यहाँ पे क्या समझाया था कि देखो इंडिया एंड पाकिस्तान है, तो इंडिया, ये जो पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान का जो एम्बेसी है उसमें जो लोग, जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है वो इंडिया का नॉर्मल, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। उसके बाद तीसरा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया का हिस्सा नहीं है, WHO, IMF, UNO, ये सारे कहाँ का है, जहाँ पे उनका मेन हेडक्वार्टर्स होगा जो कि इंडिया में नहीं है, इसीलिए वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं आते इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज भी नहीं आने वाले। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स मतलब क्या, ऐसे लोग जो देखो हु लिव इन नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड क्रॉस द बॉर्डर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द कंट्री एंड दे ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव एंड नॉट इन द कंट्री इन विच दे वर्क। मतलब क्या है, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका एग्जाम्पल लिया दिया था तुम लोगों को, सपोज मान लो कि ये जो है, ये इनका देखो, ये रहते इंडिया में है, इनका जो बर्थ हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, एंड इनका जो पासपोर्ट है वो कैनेडा का है। अब ये कौन से कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, तो सबसे पहला, एक तो जिस कंट्री में इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, एंड दूसरा ये जिस भी कंट्री में एक साल से ज़्यादा रहते हैं, तो इंडिया का ही वो ये रेसिडेंट माने जाएंगे। अब ध्यान दो, इसी के साथ साथ और एक मैंने तुम्हें समझाया था कि सपोज इंडिया पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का ये जो LOC है, इस LOC में देखो, सपोज यहाँ पे पाकिस्तान का ये बंदा है, यहाँ से इसने बॉर्डर क्रॉस किया, वो इंडिया में आया और सुबह आया और रात में वापस से चला गया, सुबह आया काम किया और रात में वापस से बॉर्डर क्रॉस कर दिया इसने और वो वापस चला जाता है, तो क्या होने वाला है, वो जो बंदा है वो नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री का माना जाएगा जहाँ पे वो रहता है, एंड ना कि उस कंट्री का जहाँ पे वो काम करता है। मतलब यहाँ पे जो ये सपोज ए बंदा जो है, वो ए बंदा पाकिस्तान का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, ना कि इंडिया का, बिकॉज वो पाकिस्तान से इंडिया में आता है काम करता है, लेकिन पूरा पैसा जो है वो सेविंग्स अर्निंग्स उसके वो लेके जाता है पाकिस्तान में, इसीलिए बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं उनका एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना बॉर्डर वर्कर्स पे, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट खत्म हो गया। फिर एक कंसेप्ट आता है रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप, एक ध्यान रखना, सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट, वाइल द रेसिडेंट
का जो ये हम लोगों ने ऊपर जो देखा वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट ही है. जो सिटीजनशिप है वो कैसे मिलता है, वो मिलता है बाय बर्थ या फिर कोई लीगल प्रोविजंस अगर अलाउ कर देते हैं तो ही, अदरवाइज नहीं मिलता है. सो इसीलिए रेसिडेंटशिप जो है वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है एंड वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे परफॉर्म हुई है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है. ये समझने ये कंसेप्ट बस इसीलिए है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई सिटीजन रेसिडेंट होगा इंडिया का और हर रेसिडेंट इंडिया का वो इंडिया का सिटीजन होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है. इसीलिए ये कंसेप्ट बस उन्होंने दो मार्क्स के लिए डाला था. उसके बाद दो मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द सिटीजन एंड रेसिडेंट, डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी मेन लेक्चर्स में देखा हुआ है. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, एक आता है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. दूसरा कंसेप्ट आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम. अब देखो डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम के लिए हमें क्या समझना है, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम. अब देखो जब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की, मतलब हम बात करते हैं इंडिया में क्या होता है उसकी. यहां पे हम क्या बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं इंडिया, इंडिया में. एंड जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तब हम बात करते हैं इंडिया वालों ने, ठीक है, इंडिया वालों ने एंड इंडिया में. ये डिफरेंस ध्यान में रखना. इंडिया में मतलब क्या, इंडिया में जो रेसिडेंट है वो भी आएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट प्लस जो बाहर से NRI फॉरेनर्स जो भी इंडिया के सर जमी पे जो भी इनकम अर्न करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बाहर से क्रिकेटर आया इंडिया में IPL खेलने के लिए और उसने इंडिया के लिए कोई एडवर्टीजमेंट उसने कर दी जिसके बदले में इंडिया के कोई डायरेक्टर ने उसको पैसे दिए है, तो वो भी इंक्लूड किए जाएंगे डोमेस्टिक इनकम में बिकॉज वो इंडिया के सर जमी पे अर्न किया हुआ इनकम होता है. एंड नेशनल इनकम मतलब इंडिया में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है वो सब पूरी दुनिया में कोई भी इनकम अर्न करे, पूरी वर्ल्ड में इनकम भी अर्न करे ना तो भी कंसिडर होगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंडिया की रेसिडेंट हूँ, मैं एक साल से ज़्यादा इंडिया में रहती हूँ लेकिन कुछ दिनों के लिए, सपोज़ मान लो कि एक महीने के लिए मैं USA गई, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कंडक्ट किया था और वहाँ से मैं पैसे लेके वापस इंडिया में आती हूँ, तो वो जो पैसा मैं बाहर से इंडिया में लेके आई हूँ वो नेशनल इनकम के डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा. एंड डोमेस्टिक इनकम के डेफिनेशन में भी कंसिडर कब करना है कब नहीं करना है वो देखेंगे. इंडिया वालों ने एंड इंडिया में डिफरेंस है, ध्यान देना वो हम समझेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज NFIA तब हम समझेंगे. अभी ध्यान दो नेशनल इनकम में तो आने वाला है, ये कंफर्म है, जो भी पैसा मैं बाहर से इंडिया में लेके आने वाली हूँ वो. तो ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे तुमको डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का डिफ्रेंसिएशन, जो ऑलरेडी तुम्हें मेन लेक्चर्स में मैंने समझाया था बहुत टाइम लेके. यहाँ पे बस इंडिया में एंड इंडिया वालों ने ध्यान रखना है. एंड इसका जो फॉर्मूला है वो हमने समझा था, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA एंड नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA. अब ये जो NFIA ये क्या है ये हम समझने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, बस ध्यान रखना यहाँ पे इंडिया में इंडिया वालों ने, ठीक है. अब उसके बाद कंसेप्ट आता है हमारा NFIA का. अब NFIA का मतलब समझते हैं, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए एक एग्जाम्पल समझो, सपोज यहाँ पे है USA एंड यहाँ पे है इंडिया. अब इंडिया एंड USA में देखो, इंडिया में भी कुछ रेसिडेंट रहते हैं, यहाँ पे रेसिडेंट रहने वाले हैं इंडिया के एंड यहाँ पे नॉन रेसिडेंट या NRI लिख देती हूँ शॉर्ट में NRI, ठीक है. तो इंडिया के भी अपने रेसिडेंट होंगे, USA के भी अपने रेसिडेंट होंगे एंड इंडिया में कुछ बाहर के लोग फॉरेनर जाके रहते होंगे कुछ टाइम के लिए शायद से, या फिर हम बाहर जाके, जैसे कि मैं USA में जाके रहती हूँ एक महीने तो मैं वहां के लिए NRI हो गई USA के लिए, तो वैसे लोग रहेंगे. अब इंडिया में सपोज मान लेते हैं कि रेसिडेंट सपोज सलमान खान है, ठीक है, सलमान खान ने जो एक मूवी बनाई जिसके बदले में उसने 400 करोड़ अर्न कर दिए, ठीक है, 400 करोड़ उसने कमाए. एंड जो बाहर का शेन वॉन सपोज आया,
ठीक है, बाहर से क्रिकेटर आया है जिसने एक एडवर्टीजमेंट किया इंडिया में एंड उसके बदले में उसे मिले 10 करोड़, तो ये जो है ये इंडिया में 10 इंडिया के सर जमी पे जो इनकम अर्न हुआ है वो कितना हुआ है 410 करोड़। अब वैसे ही यूएसए में भी उनके कुछ रेसिडेंट अर्न करेंगे जो भी पैसा उनको अर्न करना होगा, एंड प्लस सपोज अभी के लिए 300 करोड़ हम ले लेते हैं, एंड एनआरआई जो है 300 कम हो जाएगा, इंडिया से ज्यादा दिखाना होगा ना लॉजिकली, यस। तो एनआरआई सपोज मैंने क्या किया, मैंने वहां पे कंडक्ट किया था सेमिनार जिसके बदले में जो है मुझे 10 करोड़ मिले थे, अज्यूम करो कि मुझे 10 करोड़ मिले थे, मिले नहीं है बट अज्यूम करो कि 10 करोड़ मिले हैं, तो 510 करोड़ ये यूएसए के सरजमी पे इनकम अर्न हुआ है। अब यहाँ पे यही से कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ध्यान देना यहाँ पे। अभी अब यहाँ पे होने क्या वाला, ये 410 करोड़ एंड 510 करोड़ ये इंडिया के सरजमी का है, ये यूएसए का है। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे हमें समझना है ये जो 10 करोड़ है, ये जो 10 करोड़ है, यहाँ पे 10 की जगह थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 15 करोड़ ले लेते, कैलकुलेशन इजी होगा, समझ में भी आएगा। यस हाँ, सपोज ये जो 10 करोड़ है, ये जो 10 करोड़ है यहाँ के इंडिया के सरजमी पे जो शेन वॉन ने अर्न किया है, ये इनकम टू एब्रॉड होगा, इनकम टू एब्रॉड होगा। ध्यान रखना क्यों ये मैंने कहा है वो समझो, क्योंकि यहां से शेन वॉन बाहर इनकम लेके जाने वाला है, यहां से शेन वॉन क्या करेगा बाहर लेके जाएगा, एंड ये जो 15 करोड़ है वो इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा, मैं बाहर से पैसे इंडिया में लेके आ रही हूं, तो ये क्या होगा इनकम फ्रॉम एब्रॉड होने वाला है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस इज नथिंग बट योर NFIA, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में NFIA कितना आएगा, हमारे एग्जाम्पल में इंडिया से बाहर इनकम जा रहा है 10 करोड़ और इंडिया में इनकम आ रहा है 15 करोड़, तो 5 करोड़ जो होगा 5 करोड़ इज नथिंग बट NFIA जो इंडिया में आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज इस क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 5 करोड़ है इसकी जगह पे ऐसा हो सकता है, देखो सपोज इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इनकम टू अब्रॉड है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड सपोज पहले इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे एग्जाम्पल में कितना आ रहा है 15 एंड 10 था, तो NFIA हमारा आया था 5। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 और 10 आ गए, NFIA 0 आएगा, या फिर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे आए सपोज सिर्फ 5 करोड़ में लेके आई और शेन वॉन जो है यहां से इंडिया से बाहर लेके गया 10 करोड़, तो ये निगेटिव भी आ सकता है। तो NFIA कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी निगेटिव, ध्यान रखना 1 मार्क MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इस क्लियर, दिस इज नथिंग बट तुम्हारा किसका कंसेप्ट, NFIA का। अब एग्जाम में एक तो NFIA निकालने के लिए बोलेंगे या फिर तुम्हें बोलेंगे कि नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट कितना है वो बताओ। तो अब यहां पे देखो NFIA में क्या होने वाला है, हमें क्या समझना है, NI एंड हमें समझना है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब देखो डोमेस्टिक इनकम मैंने क्या बोला तुमको, इंडिया में, इंडिया के सर जमी पे, यानी कि ये जो आएगा दिस इज नथिंग बट योर डोमेस्टिक इनकम, दिस 410 करोड़ इज नथिंग बट योर व्हाट डोमेस्टिक इनकम, एंड इसमें जब हम NFIA ऐड करेंगे, अभी के सिचुएशन में हमारा 5 करोड़ आता है, तो ये 415 करोड़ इज नथिंग बट योर नेशनल इनकम। ध्यान रखना NFIA को ऐड करने के तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा, उसमें से हटा देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आएगा। इज इस क्लियर, एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछेंगे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बताओ। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वो बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है जो फॉरेन में है लेकिन है इंडिया की, मतलब प्रॉफिट अर्नड बाय दो सिचुएशन लेते हैं, एक बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया एंड दूसरा प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी इन यूएसए। अब दोनों में समझो, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा और पूछेंगे तुमको कि डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में कहां पे इंक्लूड होगा, ठीक है, और कहां पे इंक्लूड नहीं होगा। तो सोचने का तरीका कैसे होगा, सबसे पहले ये देखना है कि जो कंपनी है वो एक तो इंडिया में, इंडिया की सरजमी पे है या इंडिया से बाहर है।
तो सबसे पहला जो हमारा केस है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया है, मतलब इंडिया में है। इंडिया में बोलने के बाद इमीडिएटली दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम में आएगा ही आएगा। अब ये तो समझ गया हमें कि डोमेस्टिक इनकम में आने वाला है, नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। अब इंडिया में है लेकिन कंपनी बाहर की है, कंपनी बाहर की अगर है और अगर इंडिया में इनकम अर्न करती है तो सिर्फ नेशनल, तो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में आएगा, नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके बाद NFIA जब निकालेंगे तो अब अपने आप वो माइनस करके आंसर आने वाला है इसलिए। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में है प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी है, मतलब रेसिडेंट इंडिया का है लेकिन USA है, तो अब इंडिया की सरजमी पे तो कुछ नहीं हुआ तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। लेकिन जो कंपनी है वो इंडिया की है, इंडिया वालों ने इनकम अर्न किया है भले ही USA में हो, तो वो नेशनल इनकम में आने वाला है। तो सोचने के स्टेप्स, सबसे पहले एक तो ये देखना है इंडिया में है या इंडिया बाहर, इंडिया के बाहर है, एंड दूसरा इंडिया वालों ने किया है या इंडिया वालों ने नहीं अर्न किया हुआ। ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे तुम आंसर ढूंढ सकते हो, डोमेस्टिक इनकम में कहाँ आएगा एंड नेशनल इनकम में कब आएगा या नहीं आएगा, जो भी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये बहुत ही टाइम लेने वाला कंसेप्ट था जो हम लोगों ने खत्म किया है, NFIA डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम जो एग्जाम में आ सकता है। ध्यान रखना, फोकस के साथ पढ़ के जाना एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाना। जो मैंने कंसेप्ट चेकर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं उस पर वो सॉल्व किए बिना मत जाना, जिससे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा वो चीज़ें, सारी चीज़ें करनी है। जितने मैक्सिमम तुम सॉल्व करोगे एग्जाम्पल्स उतना तुम्हारा ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का। फैक्टर इनकम मतलब क्या, फैक्टर इनकम मतलब कि जो तुम्हें देखो इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर इनपुट्स इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, मतलब तुमने कुछ तो सर्विस प्रोवाइड की जिसके बदले में तुमको इनकम अर्न हुआ है, एंड यहाँ पे जो है विदाउट प्रोवाइडिंग द एनी सर्विसेज, मतलब फुकट में तुमको मिला है, फुकट में मिला मतलब क्या, गिफ्ट मिला है, स्कॉलरशिप्स मिले हैं, कोई डोनेशन दिया है तुमने कहीं, जैसे कि तुम पास होने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए जाते हो और वो मंदिर में पैसे चढ़ा के आते हो, भगवान जी बस पास कर देना ये सब्जेक्ट में, और तुम क्या करते हो उसके बदले में तुम पैसे चढ़ा के आते हो, जो डोनेशन तुम देते हो दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर इनकम, क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की वहां पे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज के रिटर्न में कुछ नहीं हुआ, इसीलिए वो ट्रांसफर इनकम माना जाएगा। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम। ध्यान रखना, ये अर्नड इनकम है एंड ये अनअर्नड इनकम है। यहाँ पे ये तुम यूनिलैटरल इनकम है, क्या क्यों, क्योंकि एक ही साइड से तुमने सिर्फ डोनेशन दिया है, उसके बदले में तुम्हें कुछ भी तुम लोगों ने मिला नहीं है या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की है, एंड ये जो है ये बायलैटरल इनकम है। इसके साथ साथ नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम हम कंसिडर करते हैं लेकिन यूनिट ट्रांसफर इनकम हम कंसिडर नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो क्या क्या चीज़ें देखी, एक तो पहले समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए तो फैक्टर इनकम, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट, समथिंग इन रिटर्न है इसकी वजह से वो नेशनल इनकम में भी आएगा एंड समथिंग इन रिटर्न की वजह से वो बायलैटरल ट्रांजैक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल देना है, और यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर है और यूनिलैटरल इनकम है और ये नेशनल इनकम के डेफिनेशन में नहीं आने वाला, एंड एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। उसके बाद आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है यूज्ड, और इसी यूज्ड पे हम लोगों ने बहुत टाइम जो है वो डिस्कशन किया था यूज्ड। अब ये जो यूज्ड है उसके थ्रू समझते हैं क्या था। देखो फाइनल गुड्स है एंड इंटरमीडिएट गुड्स है। अब ध्यान दो, फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स जैसे कि ऐसे गुड्स जो एंड कंज्यूमर के पास होते हैं, एंड प्लस उसके साथ साथ उसका एंड कंज्यूमर एक तो ध्यान रखना है, एंड दूसरा उसका यूज जो होगा वो एंड यूज होना चाहिए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्स की बात करती हूँ, तो एग्स जो है अगर डायरेक्टली मैंने खाने के लिए यूज कर दिए तो मेरा फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वही एग्स अगर कोई बेकरी वाले ने ले लिया तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि केक के लिए सपोज, तो केक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया है तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। तो यहाँ पे समझो इंटरमीडिएट गुड्स जो होंगे वो दो हिस्से में डिवाइड होंगे, एक होगा रीसेल पर्पज से और दूसरा होगा जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए अगर यूज करना है। तो अब ध्यान देना, जो मैंने कहा या तो एक्स तुम्हारे लिए क्या बनेंगे, एंड
एंड कंज्यूमर तक पहुंचने की वजह से क्या बनेंगे, या तो फाइनल बन सकते हैं, या फिर अगर बेकरी वाले ने परचेस किया तो फिर तुम्हारे लिए क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो समझना होगा कि उसका यूज क्या है और कंज्यूमर जो है वो एंड कंज्यूमर है या नहीं है। दो क्वेश्चंस पूछेंगे तभी तुम्हें आंसर मिलेगा वो गुड्स जो है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेड अगर हमने हमारे कंजम्पशन के लिए लिया है तो वो फाइनल गुड्स बनेगा, लेकिन वही ब्रेड अगर डोमिनोज ने लिया है फॉर मेकिंग पिज्जा तो वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट गुड्स। उसके साथ साथ रीसेल पर्पज से, जैसे कि मैंने सेकेंड हैंड व्हीकल्स जो होते हैं, अगर वो व्हीकल्स जो है वो एंड कंज्यूमर तक आ गए, मेरे तक आ गए, तो वो फाइनल गुड्स बनेंगे, लेकिन वही अगर बीच में कोई एजेंसी के थ्रू आते हैं तो वो रीसेल या रीसेल पर्पज से जब वो आगे जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। जब तक वो एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते वो इंटरमीडिएट ही रहेंगे। यहाँ पे याद रखना ये दोनों चीजें सेम ईयर में होनी चाहिए, सेम ईयर में होनी चाहिए कंपल्सरी। अगर ये ऐसा होता है एक साल से ज्यादा, मतलब सपोज कोल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोल का, ठीक है, कोल मैंने इस साल मैंने परचेस किया हुआ है जिसका यूज मैंने अगले साल किया, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा। फिर भले ही तुम उस कोल का यूज जो है फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्यों ना करो, वो तुम्हारा फाइनल गुड्स बनेगा। Why? Because you have not used it within the same year of purchase. ध्यान रखना सेम ईयर पे फोकस किया जाता है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फर्दर, देखो यहाँ पे इफ द मशीन इज बॉट बाय हाउसहोल्ड तो वो फाइनल गुड्स है, अगर फर्म ने लिया है उसके खुद के यूज के लिए तो भी वो फाइनल गुड्स माना जाएगा, लेकिन वो रीसेल पर्पज से लिया तो वो उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में फाइनल गुड्स के भी फाइनल गुड्स को दो हिस्से में डिवाइड किया है, एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल को दो हिस्से में हम डिवाइड करते हैं, फाइनल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक आता है कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा आता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स अगेन डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, कौन कौन से, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सेमी ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, लॉन्ग टर्म तक मतलब जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, जो एसेट्स है जिसका टाइम बहुत ज्यादा है। सेमी ड्यूरेबल जैसे कि क्लोथ्स जैसी चीजें जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए तुम यूज कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसे चीजें। एंड सर्विसेज जो तुम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, जो इनटेंजिबल होते हैं। ये पूरा चार्ट मैंने भरवा के दिया था, एक बार देख लेना तुम्हारे नोट्स में क्या क्या लिखी हुई चीजें है वहां पे। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर गुड्स, ये कंज्यूमर के चार हो गए हमारे, कौन कौन से, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। उसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स के दो पार्ट्स थे, कौन से दो पार्ट्स थे, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड सिंगल यूज एंड कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज कर लिया, खत्म हो गया, जैसे कि ये सारी चीजें, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, आयरन, स्टील। एंड कैपिटल गुड्स मतलब जिसका तुम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि ये टूल्स, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, ऐसी चीजें जो ड्यूरेबल होती है इन नेचर। तो हमने बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन किया था, एक घंटा पूरा इस पर डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि कौन सी चीजें होंगी जो प्रोड्यूसर फाइनल कैपिटल गुड्स प्लस ड्यूरेबल होंगी, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें, प्रोड्यूसर फाइनल, बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ समझा था, तो एक बार वो गो थ्रू कर लेना। एंड यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिविजन में जो मुझे बस इतना समझाना है तुम्हें कि सिंगल यूज मतलब एक सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूज होगा, एक बार यूज किया खत्म। एंड कैपिटल गुड्स मतलब तुम यूज कर सकते हो फर्दर प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब जहां पे रॉ मटेरियल होंगे तुम्हारे, उसके बाद सेकेंडरी मतलब जो रॉ मटेरियल प्राइमरी में है उसको तुम ट्रांसफॉर्म करोगे, एंड टर्शरी मतलब सर्विसेस। ये तीन चीजें हमने देखी। उसके बाद जो आता है वो आता है डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ऐसे भी कुछ स्टूडेंट थे जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आए हुए थे, आर्ट स्ट्रीम से आए हुए बच्चे थे, जिनको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो डेप्रिसिएशन पे डिस्कशन किया हुआ है। अब बस उसको अल्टरनेटिव वर्ड्स ध्यान रखना, क्योंकि ये सम्स जब तुम सॉल्व करोगे नेशनल इनकम के, तब तुम्हें ये अल्टरनेटिव वर्ड्स वो एग्जाम में मतलब वो दे देते हैं। एंड वो क्या करते हैं, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लिखने की जगह वो ये वर्ड्स देंगे, कंफ्यूज तुम्हें होना नहीं है वहां पे। हमें ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन के ही ये अल्टरनेटिव वर्ड्स है। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट व्हाट,
fall in the value of fixed asset due to many reasons, wear and tear, technology, accidental damages, etc., etc., etc. उसके बाद second हमने देखा था investment, जिसे हम also known as capital formation, जिसे हम बोलेंगे investment means the addition in the stock of the capital of the country या economy. मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है पैसे तक, हमें हम जो भी फिजिकल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं उसे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज, सारी चीजें इन्वेस्टमेंट में कंसिडर करी जाती है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट व्हाट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल स्टॉक है, जिसमें डिप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. एंड एनआईटी देखा था, एनआईटी मतलब क्या कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए जाते हैं फैक्ट्री गेट के बाहर, जैसे ही तुम निकले जो भी तुम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे करोगे वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंसिडर करना है, एंड उसमें से जो है वो सब्सिडी को माइनस करना है, तब आएगा तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब सब्सिडी मतलब क्या, हमको पता है कि जो जो लोअर देन मार्केट प्राइस पे जितनी भी चीजें होंगी हम उसको सब्सिडी बोलेंगे. अगेन डिटेल में बहुत डिस्कशन ओरिजिनल लेक्चर्स, ठीक है. उसके बाद मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. अब फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के लिए बस इतना ध्यान देना है हमें कि हम अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंचना है तो हमें एनआईटी को ऐड करना होता है, एंड अगर उल्टा आना है तो एनआईटी को माइनस करना होता है. बस इतना ही है जो हमें समझना है. इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए एक प्रोफेसर नोट में हम लोगों ने काफी कुछ लिखा था, कोई बात नहीं, हम वापस लिख देंगे. देखो यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है तुम्हें, एनआईटी निकालना क्यों है, क्योंकि तुम्हें सम सॉल्व करने हैं एग्जाम में. तुम्हें सम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चीजें याद रखनी. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो भी तुम गवर्नमेंट ने ड्यूटी इम्पोज की है उसे बोला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स. सब्सिडी मतलब कि जो गवर्नमेंट तुम्हें बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है और जो प्रोवाइड किया हुआ है सब्सिडी, उसे अगर हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स से तो तुम्हें मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. और वो माइनस करना है तुम्हें या प्लस करना है टू अराइव एट जो भी तुम्हें जहां पे भी अराइव होना है, वो कैसे होना है वो हम देखते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इतना समझो, ये भी प्लस पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो. जैसे NFIA पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं, वैसे ही NIT भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं. उसके बाद हम लोगों को जो एग्रीगेट्स, मेन जो एग्रीगेट्स है वो अब स्टार्ट हो चुके हैं. GDP, NDP, NNP ये सारे चीजें रटनी नहीं है, रटने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है. हमें बस इतना समझना है, देखो हमें जो समझना है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सपोज है एट मार्केट प्राइस है तो हमें समझना बस इतना है कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना है, एंड मार्केट से फैक्टर कॉस्ट तक आना है तो क्या करना है. हमें बस इतना समझना है. ये रिविजन लेक्चर है, मेन लेक्चर नहीं है. तो इसलिए अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन मैंने डिटेल में समझाया था कैसे हम क्यों हम ऐड करते हैं माइनस करते हैं. तो ग्रॉस से अगर नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, और अगर उल्टा जाना है तो नेट से ग्रॉस पे तो डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे हम लोग. अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, NFIA को ऐड करना है, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, उल्टा जाना है, तो हमें NFIA को माइनस करना पड़ता है. हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है. और अगर हमें फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो NIT को माइनस करो, उल्टा जाना है तो NIT को प्लस करो. ये ध्यान रखना. और इसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, वो हम लोगों ने बहुत डिटेल में हर एग्जाम्पल को सॉल्व किया था. बस इतने बेसिस पे तुम पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. ये रिविजन लेक्चर है तो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करने वाले, उसके लिए मेन लेक्चर्स है तुम लोगों के पास, वो देख लेना एक बार. एंड बस ये जो था ये हमारा प्रोफेसर नोट में भी हम लोगों ने लिखा था, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान देना प्रोफेसर नोट में जो भी लिखा हुआ है, एंड उसी के बेसिस पे तुम्हें सम्स जो है वो सॉल्व करने हैं. एंड इसी के साथ जो है हमारा ये भी नेशनल इनकम भी, ये कुछ भी हमने समझा नहीं था, कुछ भी हमने रटा नहीं था, ये ध्यान रखना, ये रटा नहीं था, कुछ भी रटना नहीं है हमें. बस हाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो नेशनल अपना NDPFC है, NDPFC को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते थे, एंड NDP
एफसी को हम क्या बोलते थे, डोमेस्टिक इनकम बोलते थे, एंड हमारा जो एनएनपी एट एफसी था, कहाँ गया एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एनएनपी एनएनपी, यस एनएनपी एट एफसी जो है उसे हम नेशनल इनकम बोलते थे। ये वन मार्क एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, क्या एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम है एंड एनडीपी एट एफसी जो है वो तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम है। अब इसी के साथ हम लोगों ने ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज़ें तुम बस इतना डायग्राम ध्यान में रखना, सारी चीज़ें तुम लोग डिराइव कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो ये चैप्टर को भी यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज नथिंग बट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। सो मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में हम क्या देखने वाले हैं, हमने ये देखा कि नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स है वो क्या क्या है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि हम बहुत बार जो है वो टर्म सुनते हैं जीडीपी जीडीपी जीडीपी, बट जीडीपी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम सारे अलग अलग है। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या, एनडीपी एंड एफसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, एनएनपी एंड एफसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, एंड जीडीपी एक अलग एग्रीगेट है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जीडीपी एक ऐसा, जीडीपी का मतलब इन शॉर्ट क्या है कि जितने भी इकोनॉमी में इन द अकाउंटिंग ईयर में जितने भी वैल्यू के, फाइनल वैल्यू के, फाइनल वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर, दैट इज नथिंग बट जीडीपी, इज वन ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड दैट इज नॉट द एंटायर, मतलब पूरा नेशनल इनकम का कंसेप्ट मतलब जीडीपी नहीं होता, यह ध्यान में रखना। नेक्स्ट चीज यहाँ पे अब हमें क्या समझना है कि नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट समझ लिए, अब हम ये देखने वाले कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते कैसे है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, एक है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड तीसरा क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। इनके अपने अल्टरनेटिव नेम्स भी है, वो ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर पूछा कि प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताओ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर। नेक्स्ट आता है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के साथ। तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि कौन से प्राइमरी सेक्टर का यूनिट है, सेकेंडरी है, टर्शरी सेक्टर का यूनिट है, उनको क्लासिफाई करना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और उसी को ट्रांसफॉर्म करता है सेकेंडरी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो एज अ इंटरमीडिएट गुड्स भी काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लासिफाई करना है, उसके साथ साथ हमें उसके बाद जो है कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये कैसे करना है वो हमें देखना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या कि हमें क्या करना होता है, एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या होता है कि सपोज मान लो कि वीट प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब पहला आउटपुट जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो है वीट। अब वीट जो प्रोड्यूस किया है उसका वैल्यू है 500 रुपीज। अब ये वीट जो है, ये वीट इंटरमीडिएट गुड्स कुछ नहीं है, पूरा रॉ मटेरियल है। तो इसका फाइनल जो वैल्यू एडेड होगा, ये पूरा वैल्यू एडिशन कितने रुपीज का हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया 500 रुपीज का। अब यही वीट जो है वो अगर आशीर्वाद आटा वाले लेते हैं, यानी कि उसका क्या करेंगे, आशीर्वाद आटा वाले उसका बनाएंगे फ्लोर, और ये जो फ्लोर है ये बनेगा उनके लिए एज अ वीट, बनेगा उनके लिए एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एंड वो उससे क्या बनाएंगे, उससे बनाएंगे फ्लोर। सपोज मान लो कि वो 700 में सेल करना चाहते हैं तो 200 विल बी देयर वैल्यू एडिशन। अब यही फ्लोर अगर मिल्कमेड वाले ने बना ले लिया एंड मिल्कमेड वाले ने जो है उसका ब्रेड बना दिया, मिल्कमेड वाले ने क्या किया, उसका ब्रेड बनाया है, तो ये जो 700 है ये बनेगा इसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एंड ये ब्रेड सपोज मान लेते हैं हम कि वो 900 में सेल कर रहा है तो ये 200 उसका वैल्यू एडिशन होगा, किसका, मिल्कमेड का। एंड यही ब्रेड अगर पिज्जा हट वाले ने लिया और पिज्जा हट वाले ने क्या किया, इससे अगर जो है पूरा पिज्जा बना के 1500 में बेचा तो ये जो होगा ये 600, ये होगा वैल्यू एडिशन ऑफ पिज्जा हट। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हो जाती है, मिस्टेक ये कहता है बच्चा कि ये 500 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 1500 इसका एडिशन करता है और बोलता है ये है हमारा वैल्यू एडिशन, बट दैट इज द प्राइस, दिस इज नॉट द वैल्यू एडिशन, दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस चार्ज्ड।
प्राइस चार्ज जो ये वैल्यू एडिशन नहीं, वैल्यू एडिशन क्या है, ये है तुम्हारा वैल्यू एडिशन, ये तुम्हारा वैल्यू एडिशन है 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 600, दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू एडिशन। ये पहली चीज है जो समझनी है। दूसरी चीज, हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स को हमें माइनस करना होता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना कैसे है, उसके लिए मैंने एक तुम लोगों के लिए मास्टर चार्ट बनाया था। क्या था वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मास्टर चार्ट, ये था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड ढूंढेंगे, और वो ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, या तो तुम सेल्स कंसीडर करो। अब ये सेल्स क्यों कंसीडर करना है, उसका बहुत डिटेल लॉजिक हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। अभी मैं डिटेल में लॉजिक नहीं समझाने वाली हूं, बस समझ लेना कि सेल्स को कंसीडर करना है। अगर तुमने पूरा का पूरा आउटपुट उसी साल में सेल कर दिया है जिस साल में तुमने प्रोड्यूस किया है, बट अगर तुमने ऐसा किया कि तुमने जो पूरा आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो अनसोल्ड है, कुछ इन्वेंट्री में है, तो तुम्हें क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन द स्टॉक कंसीडर करना है। और ये चेंज इन द स्टॉक कैसे निकालोगे, तुम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से तुम निकाल सकते हो चेंज इन द स्टॉक। अगर यहां पे एग्जाम में डिक्रीज इन द स्टॉक्स दिया है, मतलब एग्जाम में क्या करेंगे, जो तुम्हें क्या पूछेंगे, सम पूछने वाले हैं कि वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू एडेड मेथड से तुम्हें नेशनल इनकम निकालना है, तो यहां पे क्या लिख के देंगे, डिक्रीज इन स्टॉक। अगर ऐसा वर्ड है तो ध्यान रखना तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स डायरेक्टली माइनस डिक्रीज इन द स्टॉक। ये यहां पे प्लस की जगह ये जो प्लस साइन है वो हो जाएगा माइनस, ये ध्यान देना। ये छोटा सा मिस्टेक जो होता है बहुत बार स्टूडेंट कर देते हैं। ये हो गया, ये इससे क्या आएगा, इससे आएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहां पे सेल्स में ध्यान रखना, यहां पे एक्सपोर्ट प्लस जो भी घर के मतलब डोमेस्टिक जो भी सेल होगा वो भी कंसिडर किया जाएगा, एक्सपोर्ट सेल भी कंसिडर किया जाएगा। टोटल सेल्स हमें यहां पे कंसिडर करना है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि परचेसेस को जो है हमें माइनस करना है, जो भी एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। तो इसी के साथ ये हर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर का निकालने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है, जीडीपी एट एमपी। ये हमारा नेशनल इनकम नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तुम्हें अगर ये करना है क्या, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें एनआईटी को माइनस करना है। एंड अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है यानी कि ये डी से हमें अगर एन तक जाना है तो हमें क्या करना होता है, एनएफआई को ऐड करना होता है। इस फॉर्मूला में अगर तुम ये सारी चीजें कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम निकालते टाइम कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखने हैं। एक तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुम्हें माइनस करना होता है, बट इसके साथ साथ यस ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। एक तो इंप्यूटेड रेंट जो होता है वो हमेशा कंसिडर करना होता है। मतलब क्या, इंप्यूटेड रेंट इज नथिंग बट सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का जो रेंट होगा। मतलब इंप्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने मेरी घर की मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर है तो मैं रेंट तो पे नहीं करूंगी, लेकिन अगर ये घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मेरा खुद का ओनरशिप नहीं होता था तो ये रेंट मुझे पे जो रेंट मुझे पे करना पड़ना पड़ सकता था वो रेंट हमें कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इंप्यूटेड रेंट कंसिडर करना होता है। दूसरी चीज सेल्फ कंजम्पशन वाली चीज है। अब सेल्फ कंजम्पशन में चीजें ध्यान रखो, सेल्फ कंजम्पशन में क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन में दो चीजें, एक तो सेल्फ कंज्यूम गुड्स जो होते हैं उन्हें कंसिडर करना है, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन जो सर्विसेस होते हैं वो कंसिडर नहीं करने होते हैं। मतलब क्या कि सपोज कोई फार्मर है जिसने वीट का प्रोडक्शन किया हुआ है, 1000 kgs ऑफ वीट्स उसने प्रोड्यूस किए हैं जिसमें से उसने 200 खुद के लिए रखे और बचा हुआ 800 अगर उसने सेल किया है तो ये जो कंसीडर करते टाइम पे ये जो 1000 है उसे कंसीडर किया जाएगा, ना कि 800 को। लेकिन वही अगर कोई सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने मेरा खुद का आईटी रिटर्न खुद से ही भर दिया, या हाउसवाइफ्स जो होते हैं उनके सर्विसेज को कोई वैल्यू नहीं दी गई और उनका जो वैल्यू होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूम कंसिडर करो, लेकिन सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज को कंसिडर नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स मतलब क्या कि सपोज मान लो कोई कार है, जो कार
प्रोड्यूस्ड मतलब मैन्युफैक्चर हुई है 2015-16 में, तो वो जिस साल में प्रोड्यूस हुई है, मैन्युफैक्चर हुई है, उसी साल में उसे कंसीडर किया जाएगा। बट अगर उस कार को वापस से अगर 2021 में सेल कर दिया है तो ये रीसेल हुआ, ये प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका जो जीडीपी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में जब ये कार को कंसीडर करना है तो वो 2015-16 के ईयर में कंसीडर होगा, ना कि 2021 में। तो जो सेल होगा सेकेंड हैंड गुड्स का, उसे कंसीडर नहीं करना होता है। लेकिन ये जो सेकेंड हैंड गुड्स है, सपोज ए सेल करने वाला है उसका कार, एंड सी को वो, सी है ये बायर है एंड ये सेलर है, और बीच में जो है ये बी आ गया, ये बन जाता है एजेंट, और इसने क्या किया, इसने ए से भी कमीशन लिया है, सी से भी कमीशन लिया है, तो इसने जो कमीशन चार्ज किया है ये कमीशन कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कमीशन करो लेकिन ये जो कार का वैल्यू है, सेकेंड हैंड कार का जो सेल किया है तुमने, उसको कंसिडर नहीं करना है। उसके साथ साथ जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है उसे भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो इसी के साथ जो है पहला मेथड जो है हमने रिवाइज कर दिया है। पहला मेथड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये मास्टर चार्ट को ध्यान में रखना, ये पूरा मास्टर चार्ट मतलब तुम्हारा पूरा वैल्यू एडेड मेथड का समरी है। उसके बाद दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड, जिसे अल्टरनेटिव नेम है। हाँ, ये जो हमने देखा वैल्यू एडेड मेथड, उसके अल्टरनेटिव नेम्स ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, या फिर कमोडिटी सर्विस, सबका मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड, दैट इज नथिंग बट इनकम मेथड, एंड दिस इज नथिंग बट पूरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तुम्हारे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसी को अलग तरीके से बस बाइफर्केट किया है। इसके अल्टरनेटिव नेम्स ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। अब इसके लिए कैसे, इनकम मेथड से कैसे तुम नेशनल इनकम ढूंढोगे, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ढूंढना है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एंड फिर उसके बाद हम डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई के कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन विल गेट एनएनपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी के लिए कैसे कैसे तुम क्या क्या चीजें कंसिडर करने वाले हो, तीन चीजें। सबसे पहला आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर इसे बोलते हैं लेबर इनकम ऑल्सो, लेबर इनकम अल्टरनेटिव नेम है, ध्यान रखना। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में तीन पार्ट्स है, एक है कैश, दूसरा है काइंड, एंड तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब ये यहां पे क्या होता है, इन शॉर्ट हमने डिटेल में याद है तुमको सैलरी स्लिप भी देखा था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये सैलरी स्लिप के ही अलग अलग कंपोनेंट्स है। सैलरी को जो है कुछ कैश में या बैंक अकाउंट में दिया जाता है, ऑलमोस्ट 60% सैलरी ऐसे ही होता है, कुछ 20-30% काइंड में आएगा, एंड बचा हुआ जो होगा वो होगा सोशल सिक्योरिटी। ये उसके, ये होगा क्या तुम्हारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद इसके हर एक कंपोनेंट को हमने समझा था, याद है तुम्हें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के हर कौन कौन से थे, बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस, बोनस, ट्रैवलिंग अलावेंस, ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी थी। अब हम रिविजन लेक्चर में इसको डिटेल में नहीं देखने वाले, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली ये कंपोनेंट जो है वो लिख के दिया जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कितना है, काइंड कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये डायरेक्टली अमाउंट दिया जाएगा। इसके सब कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से नहीं दिए जाने वाले, बट फिर भी हमने डिटेल में समझे थे जब हम बात कर रहे थे, जब हम लोग ये कंसेप्ट को समझ रहे थे, ठीक है। तो इन तीनों का एडिशन यानी कि तुम्हारा क्या आएगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड दूसरा आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रॉयल्टी एंड रेंट एंड प्लस इंटरेस्ट। जब यहां पे एक तो पहला रेंट, रेंट रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब क्या कि कोई सपोज मान लो कोई म्यूजिक कंपोजर है, तो उसने कोई म्यूजिक का पार्ट जो है वो बनाया है, जो उसने फिल्म में जो है वो बोल दिया कि तो आप यूज कर सकते हो, तो वो जो यूज किया हुआ पार्ट है उन्होंने फिल्म में, वो म्यूजिक का पार्ट जो यूज किया है उसके बदले में म्यूजिक कंपोजर को जो पैसे दिए जाएंगे उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। बस फैंसी सा नेम है, उसको जो है वो रॉयल्टी बोला जाता है। एंड रॉयल्टी के साथ जो है हमने देखा था रेंट एंड रॉयल्टी के साथ इंटरेस्ट भी एड किया जाता है। अब इंटरेस्ट में हमने बहुत क्लासिफिकेशन किया था, कौन सा इंटरेस्ट कंसिडर करना है, कौन सा नहीं करना है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक को कोई पब्लिक डेट पे जो इंटरेस्ट पे किया है उसे कंसीडर हम नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जो
एक फर्म ने दूसरे फर्म को अगर कोई इंटरेस्ट दिया है तो वो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने सब क्लासिफिकेशन देखा था, एग्जामिनेशन में नहीं पूछने वाले, लेकिन हमने बहुत डिटेल में उसे ड्रिल डाउन किया था उस एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एड करना है एंड उसके बाद एड करना है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो होगा प्रॉफिट तुम्हारा। प्रॉफिट के अगेन तीन पार्ट होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और यू कैन कॉल इट एज रिटेन्ड अर्निंग्स, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स एंड तीसरा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड मतलब जो कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट उसका कुछ शेयर जो है वो दे देता है, एंड ये जो शेयर कंपनी ने दिया है, ये कंपनी ने दिया हुआ शेयर इस छोटा सा शेयर जो कंपनी देती है प्रॉफिट में से उसे बोला जाता है डिविडेंड। तो ये डिविडेंड भी दे सकता है। तो ये या एग्जाम में या तो डायरेक्टली प्रॉफिट का अमाउंट दिया जाएगा या तो ये तीन पार्ट्स अलग अलग दिए जाएंगे, इन तीनों का एडिशन तुम्हें प्रॉफिट मानना है एंड फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आता है MI यानी कि मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इज नथिंग बट व्हाट कि सपोज देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार है, कौन कौन से है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन्हीं का क्या समझना है? लैंड मतलब क्या? तुम वेजेस पे करते हो। लेबर मतलब वेजेस पे करते हो। लैंड मतलब तुम रेंट पे करते हो। कैपिटल मतलब इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि ऐसा है कि मेरा खुद का ही लैंड है, लैंड मेरा खुद का है जिसपे मुझे रेंट नहीं पे करना है, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरे लिए सेविंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास लैंड नहीं होता था तो मुझे रेंट पे करना पड़ता था जो कि मैंने नहीं किया है। तो इट्स काइंड ऑफ अ इम्प्यूटेड रेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि इम्प्यूटेड वाली जितनी भी चीजें होंगी, अगर मेरे पास मेरा खुद का कैपिटल था, मुझे बोरो नहीं करना पड़ा जिसकी वजह से आई एम नॉट पेइंग इंटरेस्ट, तो वो भी एड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये क्या होंगी? अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगी चीजें या इंप्यूटेड होंगी तो इनको क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमारा क्या होगा, अगर 10,000 मैंने जो है रेंट सेव किया है तो मेरे जो पैसा सेव किया है उसे भी हम नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं। तुमको डिटेल में कैसे फिर मिक्स्ड इनकम नहीं निकालना है, तुम्हें डायरेक्टली दिया जाएगा मिक्स्ड इनकम एंड अमाउंट दिया जाएगा, तुम्हें बस एड करना है। और इन तीनों का एडिशन इज नथिंग बट योर डोमेस्टिक इनकम कंसिडर किया जाएगा, उसमें तुम NFI के साथ कैलकुलेशन करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है? तुम्हारा इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में देखो, इनकम मेथड में जब तुम कैलकुलेट करते हो कुछ पॉइंट्स है जो समझने हैं, अगेन जैसे हमने वैल्यू एडिशन मेथड में देखे, कौन कौन से? पहला, ट्रांसफर इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहले क्या? ट्रांसफर इनकम इसीलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये वन वे इनकम है, मतलब विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए, डोनेशन दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा, इलीगल इनकम, किसी का मर्डर करने के लिए तुमने पैसे दिए हैं, फिर भले ही एक पार्टी, देखो एक पार्टी है ए और बी है जिसने सी का मर्डर करने के लिए पैसे दिए हैं, इन दोनों के बीच में म्यूचुअली अग्रीड होके कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होगा, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है और इसमें से जो भी इनकम अर्न किया जाएगा ये इलीगल इनकम है, स्मगलिंग का इनकम, फिर भले ही वो म्यूचुअली अग्री हो या फिर ना हो, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इलीगल इनकम भी तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, इलीगल इनकम कंसिडर नहीं करना है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन मतलब क्या? कि कोई बंदे ने शेयर सेल कर दिया। अब ध्यान देना, कैपिटल गेन जो है वो कंसिडर नहीं करना है। अब कैपिटल गेन इसलिए नहीं करना है क्योंकि सपोज शेयर जो है मैंने सेल कर दिए, अब शेयर सेल करने की वजह से क्या होने वाला है? एक मैंने एक को ट्रांसफर कर दिया, उसने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, ये क्या होने वाला है? ये शेयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली हम सेल कर रहे हैं, अब ये जो प्रॉफिट होता है ये सेल पे, उस पे कैपिटल गेन चार्ज किया जाता है, तो ये हम इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करते टाइम पे हम कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज वी डोंट कंसिडर फाइनेंशियल एसेट्स एज वेल एज दिस सिमिलर टू दी सेकेंड हैंड गुड्स पे जैसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ही फाइनेंशियल एसेट्स को भी ट्रीट किया जाता है इसीलिए। एंड दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं इसीलिए।
और लेकिन अगर इस पे कोई भी कमीशन चार्ज किया है, मतलब मैंने जब सेल करते टाइम पे जो भी बीच में जो इंटरमीडियरी था या एजेंट था उसने अगर मेरे से कोई कमीशन लिया होगा, तो वो कमीशन जो है वो तुम्हें कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। उसके बाद नेक्स्ट आता है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक से हुआ धन लाभ, लॉटरी से हुआ या और जैसे कि बेटिंग से हुआ, ये सारी चीजें कंसिडर नहीं होंगी, विंडफॉल गेन्स कंसिडर नहीं होंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड जो है वो नहीं करना है। और उसके साथ साथ ध्यान देना यहाँ पे कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, ये जो वेल्थ टैक्स होता है, डेट ड्यूटी टैक्सेस होते हैं, गिफ्ट टैक्स होते हैं, वो भी कंसीडर नहीं करना है। इंप्यूटेड रेंट को कंसीडर करना है, इनकम टैक्स जो है वो कंसीडर नहीं करना है। एंड जो फ्री सर्विसेज होते हैं मतलब कि जैसे कि जो इंप्यूटेड रेंट वाली चीजें होती वो सारी कंसिडर होंगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी जो कंसिडर होंगी और कौन सी नहीं होंगी, वो तुम्हें या तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे या फिर इस पे सम आएगा। तो सबसे पहले इलीगल इनकम नहीं, ट्रांसफर इनकम नहीं, कैपिटल गेन नहीं, विंडफॉल गेन्स नहीं, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट नहीं, इंप्यूटेड रेंट यस, इनकम टैक्स सेपरेटली ऐड करना नहीं है तुम्हें क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड होकर आता है। फ्री सर्विसेज ऑफ ओनर्स जो है वो फ्री सर्विसेज ऑफ ओनर्स, इंप्यूटेड रेंट वगैरह कुछ होंगे तो ही ऐड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। उसके बाद और कौन सी चीजें छूटी क्या नहीं, ठीक है। इसके साथ हमारा जो अल्टरनेटिव नेम है, याद रखना ये हमारा सेकंड मेथड हुआ इनकम मेथड। एग्जाम में कुछ भी रेडीमेड डेटा दिया जाता है, बस उसको प्लॉट करना है एंड आंसर निकालना है, वेरी इजी। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अल्टरनेटिव नेम ध्यान रखना कंजम्पशन इन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड सेकेंड इज इनकम डिस्पोजल मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसके लिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। सी स्टैंड्स फॉर जो फाइनल फाइनल हाउस होल्ड जो फाइनल कंजम्पशन करेगा उसे हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा उसे हम कंसिडर करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसके दो पार्ट्स होंगे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी बिजनेस के फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, ये सब पार्ट होंगे उसके। या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये या फिर मतलब एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का टोटल आएगा तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये तुम्हारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पहले तुम निकालोगे इन तीन कंपोनेंट से, उसमें तुम इन्वेंट्री चेंजेस एड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो भी आएगा, एंड फिर आएगा तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जिससे तुम पहुंचोगे जीडीपी एट एमपी पे। एंड अगेन तुम्हें नेशनल इनकम तक पहुंचना है, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहुंचना है एनएनपी एट एफसी तक। अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, डी से एन तक पहुंचना है तो एनएफआई को ऐड करो, अगर तुम्हें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है तो तुम्हें एनआईटी को माइनस करना होगा, एंड देन यू विल गेट योर आंसर, देन यू विल गेट योर नेशनल इनकम। इज दिस क्लियर? इसके साथ साथ तुम्हारा ये भी जो तीसरा मेथड है वो खत्म हो जाएगा। इसमें जो प्रिकॉशंस वाले पॉइंट है वो सिमिलर है, एक तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करना है, सेकेंड हैंड गुड्स को अवॉइड करना है, फाइनेंशियल असेट्स शेयर्स डिबेंचर्स अवॉइड करो, ट्रांसफर पेमेंट अवॉइड करो, एंड जो इंप्यूटेड रेंट वाली चीजें होंगी अगर कुछ तो ही वो कंसिडर करनी है, अदरवाइज नहीं। एंड लास्ट कंसेप्ट आता है रियल इनकम एंड नेशनल इनकम। अब उसके लिए ये एक हमने एक कंसेप्ट के थ्रू समझा था, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मतलब क्या कि ये सपोज ये पूरा 2021 है एंड ये 2011-12 है। 11-12 लेने का रीजन बिकॉज इट इज कंसिडर एज अ बेस ईयर, ठीक है। अब हमारे पास तीन जीडीपी है, जीडीपी 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब एक ही साल के दो जीडीपी भी है हमारे पास, दिस एंड दिस। अब एक ही साल के दो जीडीपी कैसे आए, एक ही साल के दो जीडीपी कैसे आए, तो एक जो है वो है तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी एंड एक जो है वो है तुम्हारा रियल जीडीपी।
दूसरी चीज, फिर ऐसा हमने 11-12 के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बेस ईयर है। बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी हमेशा इक्वल होता है, मतलब ये 2000 ही रियल जीडीपी भी माना जाएगा एंड नॉमिनल जीडीपी भी माना जाएगा। उसके बाद 2020-21 में 8200 नॉमिनल जीडीपी है एंड 4300 रियल है। अब ये कैसे, वो हमें समझना है। देखो नॉमिनल जीडीपी मतलब होता क्या है कि जो करंट आउटपुट है ना, वो जो करंट आउटपुट है ना, उससे तुम करंट प्राइस पे जब कैलकुलेट करोगे उसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। एंड जब उसे करंट आउटपुट को कांस्टेंट प्राइस पे कंसीडर करोगे उसे बोलेंगे रियल जीडीपी। मतलब क्या, इन शॉर्ट हम यहां पे क्या करते हैं, देखो रियल में जो 2011-12 के प्राइसेस थे उसी के साथ हमने जीडीपी निकाला। मतलब कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट में जो चेंज हुआ है सिर्फ हमने उसको कंसीडर किया, प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा। यानी कि हमने ये अज्यूम किया कि अगर 2011-12 के प्राइसेस आज भी कंटिन्यू होते थे तो हमारा कितना प्रोडक्शन, तो हमारा जीडीपी कितना हो सकता था। यानी कि हमने क्या कंसीडर किया, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रोडक्शन, ना कि चेंज इन प्राइस। बट जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, करंट आउटपुट एंड करंट प्राइस को कंसीडर करते हैं। यानी कि हम अगर हम कंपेयर करेंगे इसको 2000 के साथ तो हम क्या बात करते हैं, हम चेंज इन आउटपुट आल्सो एंड चेंज इन प्राइस आल्सो। यहाँ पे देखो 30 प्राइस है, यहाँ पे 20 प्राइस है, यहाँ पे 40 प्रोडक्शन किया है, यहाँ पे 50 किया है। तो ये क्या हो गया, ये आउटपुट प्लस प्राइस दोनों का चेंज बताता है नॉमिनल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आउटपुट का चेंज। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, रियल एंड रियल हम लोगों ने कंपेयर किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रियल रियल आउटपुट चेंज एंड नॉमिनल, क्योंकि 2011-12 के लिए दोनों सेम ही है, रियल जीडीपी भी और नॉमिनल जीडीपी भी, दैट इज 2000। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो नेक्स्ट हमें समझनी है कि एक कंसेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। मतलब क्या, जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। मतलब क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि एक ही साल का जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है वो अगर डिफरेंट है, मतलब कि ये जो दोनों जीडीपीज है वो दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट होने का रीजन बस एक ही है एंड दैट इज नथिंग बट प्राइस चेंज। यहां पे देखो मैंने सिर्फ प्राइस को चेंज किया, मैंने क्या किया 40 मल्टीप्लाई बाय 20 करके 800 लाया हुआ आंसर है एंड 40 इंटू 30 करके 1200 आया है। अब यहां पे मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ प्राइस को चेंज किया, आउटपुट कांस्टेंट रखा। मतलब मैंने क्या किया, एक ही साल का जो नॉमिनल जीडीपी है एंड रियल जीडीपी है उसको जब तुम कंपेयर करते हो दैट टाइम यू गेट कितना प्राइस में चेंज हुआ है। तो इन शॉर्ट यहां पे जीडीपी डिफ्लेटर के लिए एक चीज ध्यान रखना, जितना जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा उतना प्राइस चेंज ज्यादा, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ, हमेशा याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, इन शॉर्ट मतलब जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है सपोज 80 है तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी एंड 100 है तुम्हारा रियल, उल्टा करते सपोज 100 तुम्हारा नॉमिनल 80 है तुम्हारा रियल इंटू 100, मतलब यहां पे आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैंने क्या, यानी ये 125 क्या बताता है, ये 125 ये बताता है कि बेस ईयर से, क्योंकि बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि 2011-12 का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि बेस ईयर से आज तक यानी कि 2021 तक जो है प्राइस में जो चेंज आया है वो 25% इंक्रीज हुआ है। यानी कि उस जमाने के 100 रुपीज में जो चीज मिल रही थी आज वो 125 में मिल रही। अगर यही जीडीपी डिफ्लेटर मेरा 95 आता था तो मैं ये बोलती थी बेस ईयर से जो मेरा प्राइस चेंज हुआ है वो है डिक्रीज बाय 5%। इज दिस क्लियर, जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट क्लियर। ये जीडीपी डिफ्लेटर ऐसा हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी नहीं हुआ, सेम चीजें चल रही, प्रैक्टिकली नहीं होगा बट ऐसा थियोरेटिकली हो सकता है। इज दिस क्लियर। इसी के साथ हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो समझने हैं, बाकी
एक तो ये समझना है कि जीडीपी, देखो जीडीपी के लिए ना एक चीज समझो कि एक ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं, बस इतने समझने हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब क्या, कि जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, जो बोलते हैं ना वो वाला कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मतलब क्या कि कोरोना के टाइम पे अंबानी जी ने क्या किया है, अंबानी जी का जो इनकम है वो बढ़ा है, उनकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज बिजनेसेस जो बंद थे। अब कुछ बिजनेसेस बंद है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट वही अंबानी जी क्या है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मतलब जो रिच होते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज कंपेयर टू पुअर। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब क्या, प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब जब जीडीपी, जीडीपी इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सबका क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हैं, उन सबका क्वांटिटी इनटू प्राइस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसमें अगर एक्सप्लोजिव्स, गन, बॉम्ब्स, ऐसी सारी ड्रग्स, ये सारी चीजें अगर ज्यादा होंगी, दैट मीन्स वी आर नॉट फुलफिलिंग, दीज आर नॉट श्योरली एनहांसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो कौन सी चीजों की वजह से जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट, जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, इस पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। एंड थर्ड थिंग इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज को कंसिडर नहीं करता जीडीपी। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या कि जो कभी ये चेंज हो जाते हैं, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो जाती है या कोई भी पोल्यूशन आ जाता है, तो ये कोई भी पॉइंट अगर हो जाते हैं तो जिससे जीडीपी जो है वो इफेक्ट, इंपैक्ट करता है जीडीपी पे, इफेक्ट होता है। एंड लास्ट इज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, विद द राइज इन जीडीपी देयर विल बी राइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जिससे पोल्यूशन जो है वो बढ़ेगा एंड एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो समझने, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमें समझने थे जीडीपी को लेके। इसी के साथ जो है हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है हमने ऑलमोस्ट 7-8 घंटे डिस्कशन किया था जब हम मेन लेक्चर देख रहे थे। आई हैव ट्राइड टू कवर इट द एंटायर नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो विद इन 2 आवर्स, रिवाइज करवा दिया है। आई होप कि तुम लोगों को इससे काफी हेल्प होगी एंड तुम लोगों बचे हुए पार्ट को खुद से ही रिवाइज कर लोगे। वैसे तो कुछ छूटा नहीं है लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट्स है उनको रिवाइज करवा दिया है ताकि तुम बचे हुए पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लो एंड जो हमने देखा है उसे भी तुम लोग एक बार समझ लो अच्छे से। रिवाइज, आई होप कि तुमको माइंड में पूरा रिफ्रेश हो गए होंगे सारे के सारे कंसेप्ट। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वो भी नए चैप्टर के साथ, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।